नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। नवाडीह प्रखंड के ऊपरघाट स्थित पलामो पंचायत के छोटकी कुड़ी में कुड़ी ब्रू सरना धोरमगढ़ में 2 दिवसीय महासम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सभा की अध्यक्षता राम सहाय मुर्मू और सभा का संचालन राजेश हेब्रम ने किया। इस अवसर पर 12 सालों से कुड़ी बाबा और प्रकृति की पूजा की जाती है। लोग 1000 फीट चढ़कर कुड़ी बाबा के दर्शन करते हैं, साथ ही मन्नतें मांगते हैं। 2 दिनों का मेला लगता है, दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सभा को संबोधित करते हुए नवाडीह प्रमुख पूरब देवी ने कहा कि जल जंगल हम लोगों को बचाना है, प्रकृति की पूजा से ही हम लोगों का जीवन सफल होगा। पूर्वजों ने हमारे लिए जंगल बचाकर रखे हैं, जो कोरोना के समय साथ दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि कुड़ी बाबा का पूजा 12 सालों से किया जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहल से एक सरना धर्म स्थल निर्माण करने की कोशिश करेंगे। पेंक नारायण पुर थाना प्रभारी ने कहा कि मेले के अंदर गाड़ी न लगाएं और अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। शराब पीकर मेले के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें। धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर ना जाएं। आज सर्वप्रथम तो मैं बाबा को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ कि जो भी आज हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति के पुजारी हैं, जो आस्था और विश्वास के साथ जो भी हम लोग प्रकृति के साथ पूजा करते आए हैं, आज वही हम लोग आप लोग के बीच में 1-2 दिवस से मेला रखा गया है, ताकि एक सूत्र में बनने के लिए जो भी प्रोग्राम होता है, हम आदिवासी मूलवासी एक अपना पहचान है, हमारी जो संस्कृति है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए उसको याद करते हुए कोई भी त्यौहार हम लोग मनाते आते हैं। अभी देखते होंगे कि प्रकृति ऐसा, हम चारों तरफ से प्रकृति के बीच का गोद में हम लोग बैठे हैं, कितना अच्छा महसूस होता है। चारों तरफ हरा भरा जंगल है। अभी देखते होंगे कि पूर्व में 2 साल पूर्व जब कोरोना काल था, आज जो हमारे झारखंड का कुछ किस्मत था कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र और चारों तरफ से ऑक्सीजन, जो हमारे पर्वत जंगल में जो शुभ वातावरण मिला है, उसके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। और अब देखते होंगे बड़े बड़े टाउनशिप में ऐसे शुभ वातावरण नहीं मिलने के कारण आज कोरोना के मौत मारे गए हैं। तो ये हमारे पूर्वज कुछ अच्छे साथ के साथ, अच्छे विचार के साथ, कुछ भी हमारे कथनी और कर्मी को अपने तर्क के साथ, जो भी हमारे निर्मय प्रकृति के साथ जो पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं आज साक्ष और प्रमाण के साथ किए हैं। अभी देखते होंगे कि हम लोग पीपल का पेड़ में जो ऑक्सीजन मिलता है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए, ये युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, ये हम लोग जल जमीन और जंगल बचाने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज गुरु 12वां महा सरना महाधर्म सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन है। आज हम लोग पूरे हमारे बोकारो जिला के जिला सचिव आदरणीय जयनारायण महतो जी, जिला कोषाध्यक्ष भाई अशोक मुर्मू जी, पूरी गुरु धर्मशाला महाधर्म सम्मेलन के संस्थापक और विश्वश्री प्रखंड अध्यक्ष ब्रिजलाल हंसा जी, हमारे मैडम प्रमुख पूनम देवी जी, सारे लोग आज उपस्थित हैं। हमारे ये 12 साल से इस क्षेत्र में सरना महाधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस धर्म सम्मेलन में हमारे सारे जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं। निश्चित तौर से यहां से आदिवासियों का एक धर्म सम्मेलन होता है, जिसके माध्यम से आदिवासियों को अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए सारे बिंदुओं पर चर्चाएं होती है। हमारे यहाँ जो यहाँ लोग आते हैं और इस पूरी गुरु में अपना जो भी मन्नते मांगते हैं उसका भी पूर्ण होता है। आने वाला समय इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी अपने कर कमलों के द्वारा क्षेत्र का विकास करने के लिए भी कई योजनाओं का यहाँ पर धरातल में लाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और बहुत जल्द काम पूरा भी होने वाला है। इस क्षेत्र को भी हम लोग सरकार के माध्यम से और भी जो भी यहाँ कमी बेसी होगी उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे।
से आग्रह करते हैं कि आप लोग सीधा कीजिए सर, एवं अपने जो भी जिस वाहन से आए हैं, बाइक से आए हैं, टू व्हीलर से आए हैं, वो अपना वाहन सुरक्षित लगाएं, डिकॉर्ड करके लगाएं, क्योंकि वाहन चोरी भी हो सकता है, और अपने वाहन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे जगह पे लगाएं, और सभी अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। देख रहे हैं मेला में कुछ लोग शराब पीकर भी घूम रहे हैं, ये मेला जो है मेला नहीं है, ये पूजा अर्चना के लिए मेला जो है ये किया है। पूजा में जो भी है शराब का सेवन नहीं करें और शांतिपूर्ण मेला का आनंद लें, यही आप लोगों से मेरी कामना है, विनती है, गुजारिश है। यहाँ आए तमाम श्रद्धालुओं को मैं दोबारा मेला में आने के लिए धन्यवाद। वी टाइम न्यूज़ के लिए बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।